ये पीले पीले फूलों वाले पौधे का नाम है वज्रदंती, यानी कि इसके प्रयोग से जो हमारे दांत हैं वो वज्र के समान मजबूत हो जाते हैं। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं, छोटे छोटे से बारीक बारीक से कांटे होते हैं और इसे वज्रदंती, पियाबासा, कटसरैया अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आप अगर इस पौधे को पहचानें तो आपके यहाँ पे किस नाम से ये पौधा जाना जाता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि इसको नाम से ही आप समझ गए होंगे वज्रदंती, इसका मेन जो प्रयोग होगा वो दांतों को मजबूत करने के लिए होता है। और बहुत सी कंपनियाँ हैं जो अपने प्रोडक्ट में जो है ये दावा करते हैं, उनके प्रोडक्ट में दांत से जुड़ी हुई कंपनियां उनके प्रोडक्ट में पियाबासा यानी कि वज्रदंती का प्रयोग किया गया है। ये एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के फ्रंट पे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वज्रदंती के पीले रंग के फूलों को मेंशन किया हुआ है। कंपनियां दावा कर रही हैं कि उनके प्रोडक्ट में वज्रदंती का प्रयोग किया जा रहा है, तो दांत के लिए ये पौधा कितना ज्यादा कारगर होगा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, हल्के हल्के से कांटे होते हैं, बहुवर्षीय पौधा होता है। एक बार आपने लगा दिया आपको बार बार नहीं लगाना है। लगाने का तरीका ये है कि आप इसमें जो सीड पॉड लगते हैं उनमें से सीड्स निकाल के लगा सकते हैं या फिर आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है, बहुत ही आसानी के साथ अपने गार्डन में आप इसको जगह दे सकते हैं। अगर आपके दांत में किसी भी तरह की समस्या है, आपके पायरिया हो रखा है, दांतों में पीलापन है, मसूड़ों में सूजन रहता है, खून आता है, तो किसी भी तरह की समस्या के लिए आप इनके पत्तों को डेली 3 से 4 पत्तों को चबा सकते हैं, चबा के आप कुल्ला कर सकते हैं कुछ देर के बाद, या फिर आप इनकी जो ब्रांचेज होती हैं थोड़ी सी जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं उनको आप ले करके उनकी दातून भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको इनको डेली यूज करना है, आपके दांत अच्छे हो जाएंगे। और सिर्फ दांतों की ही समस्या नहीं, किसी को अगर मुंह में छाला हो रखा है तो वहां पे भी आप वज्रदंती के पत्तों को कुछ देर चबा करके कुल्ला कर सकते हैं, उसमें भी ये लाभ प्रदान करता है। उसके साथ ही साथ आप चाहे तो इनका काढ़ा बना करके भी आप उसका कुल्ला कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके मुंह में दांतों में किसी भी तरह की समस्या हो, वज्रदंती उसका एकमात्र इलाज है। और सिर्फ दांतों से जुड़ी हुई समस्या नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें जिनमें आप वज्रदंती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को पेट संबंधी रोग है तो आप वज्रदंती के पत्तों का रस या फिर इसके तनों का रस निकाल करके उसे दें तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो तेज हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्या रहती है, उनको बार बार कच्ची डकारें आती है, अपच बनी रहती है, उन सभी लोगों के लिए वज्रदंती के पत्तों का रस बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके साथ ही साथ अगर किसी को किडनी में स्टोन है तो भी आप वज्रदंती के काढ़े का प्रयोग कर लेते हैं तो उस किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। इसलिए होता क्या है कि वज्रदंती के प्रयोग से हमें बार बार पेशाब लगती है, हमारे किडनी में जो स्टोन होता है वो गल के टूट टूट के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो किसी को अगर किडनी में स्टोन हो तो आप उसको वज्रदंती के काढ़े को बना करके दे पीने के लिए। अगर किसी को खांसी बनी हुई है, बलगम सूख गया है, ऐसी दशा में आप इनके पत्तों को 4 से 5 पत्तों को ले लें, उन्हें अच्छे से मसल के उनका रस निकाल लें, उसमें आप शहद मिला करके उसको दें, कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आप देखेंगे उसका किडनी का स्टोन खत्म हो जाएगा तो उनको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई अस्थमा का रोगी है उसे भी आप इस तरह से इनके पत्तों का रस निकाल करके शहद मिला करके दें, उसको भी काफी ज्यादा आराम देखने को मिलेगा। वज्रदंती के पत्तों का पेस्ट बना लें। किसी को अगर फोड़ा, फुंसी, मुहासा या फिर खुजली हो रखी, वहाँ पे आप वज्रदंती के पत्तों का पेस्ट का लेपन कर दें, कुछ ही प्रयोग के बाद आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर किसी को अगर सूजन हो रखी है तो उसे भी आप वज्रदंती के प्रयोग से लाभ प्रदान कर सकते हैं। गठिया में दर्द बना रहता है, जोड़ों में सूजन बनी रहती है, वहाँ पे भी आप वज्रदंती के प्रयोग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को आप बुखार में या फिर खांसी बने रहने पे काढ़ा बना करके देते हैं तो उस काढ़े में आप वज्रदंती के पत्तों को भी मिला दें, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। लोगों का सवाल हो सकता है कि ये पौधा हमें मिलेगा कहाँ पे? देखिए, ये पौधा एक जंगली पौधा है, अक्सर आपको रोड के किनारे झाड़ी नुमा स्थानों पे, सूखे स्थानों पे ये पौधा देखने को मिल जाएगा। पहचानने का तरीका ये, इसके पत्ते मिर्च के पत्तों की तरह होते हैं, पीले रंग के फूल आते हैं और साथ ही साथ इनमें जोड़ों पे छोटे छोटे से बारीक बारीक से कांटे भी होते हैं। इन चीजों से बड़े आराम से आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इसका पौधा देखने को मिल जाता है तो आप उसकी जो पुरानी टहनियां हैं, पुरानी टहनियों में देखेंगे तो आपको जड़ निकली हुई दिखाई पड़ेगी। अगर इस तरह से जड़ निकली हुई दिखाई पड़ रही है तो आप जस्ट इसके नीचे से इसे कट कर लें। कट करने के बाद उसे अपने घर पे लेके आए, किसी पॉट में लगा दे, बहुत ही आसानी के साथ ये पौधा वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। अगर जड़ नहीं भी निकली हुई तो किसी भी आप ऐसी जगह से जहाँ से इस तरह से गांठ बनी हो उसके नीचे से कट करें, उसे अपने घर पे लेके आए, लगा दें, बहुत ही आराम के साथ ये पौधा लग जाएगा।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप इस पौधे को अच्छे से पहचान गए होंगे, इसके फायदे अच्छे से जान गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई भी तरह का सवाल सुझाव है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।